ये क्वेश्चन है कि यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है, सिंपल सी बात है कि शक्ति को हम पावर ही बोलते हैं और प्रतिरोध को रेजिस्टेंस R ही बोलते हैं, तब विद्युत धारा व्यक्त होती है, मतलब तब हम करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन दिया है, पहला है P अपॉन R, सेकंड अंडर रूट P इनटू R, थर्ड अंडर रूट R अपॉन का P और फोर्थ है अंडर रूट P अपॉन का R। तो आपको इतना मालूम होगा कि विद्युत शक्ति क्या होता है, P बराबर का V I होता है, ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू का IR, मतलब जहां V है वहां मैं IR रख दूं, IR इनटू ये पहले का I है, I इनटू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इनटू का R। लेकिन हमसे क्या पूछा है, विद्युत धारा व्यक्त होती है, मतलब मुझे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नॉलेज चाहिए। तो I स्क्वायर में क्या, इधर R का मल्टीप्लाई है तो इधर क्या होगा, R का डिवाइड हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा। और आप जानते हैं यदि इस वाले स्क्वायर को अंडर रूट के स्क्वायर रूट में रखना पड़ेगा तो क्या होगा, अंडर रूट का P अपॉन का। सही वाला ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन में।